टॉप 3 बेस्ट फोन्स अंडर 15,000 में लेकर आ गया, जिसमें आपको नेक्स्ट लेवल का परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा एंड बिल्ड क्वालिटी हो या फिर लुक डिजाइन हो बहुत ही बेटर देखने को मिलेगा। साथ में आपको कैमरा फीचर्स भी बेटर देखने को मिलेगा, जिससे वीडियोस वगैरह फोटोज वगैरह बेस्ट आउटपुट निकाल पाओगे। एंड साथ साथ प्रोस कौन सी बताऊंगा फोन्स का। तो चलो फिर फटाफट वीडियोस को स्टार्ट करते हैं, जानते हैं आज की लिस्ट में कौन कौन सा फोन एडेड है एंड आपके लिए कौन सा फोन बेस्ट होगा आपके पर्पस के हिसाब से। चाहे आपका पर्पस हो गेमिंग करना, एडिटिंग करना या मल्टीटास्किंग करना, ऑलराउंडर जैसे यूज करना या फिर कोई आपका अदर प्रायोरिटी हो, तो आज के वीडियोस को देखने के बाद फुलफिल हो जाएगा एंड क्लियर हो जाएगा भाई। तो चलो फिर फटाफट वीडियोस को स्टार्ट करते हैं। तो की हाल है, होप यू आर मजे में। तो चलिए फिर अपने लिस्ट के फर्स्ट नंबर फोन के तरफ चलते हैं। फर्स्ट नंबर फोन देखने में आता है Vivo T2X 5G, जो कि अल्ट्रा स्लिम बॉडी के साथ देखने में आता है। 83% का स्पेक्स स्कोर मिला है। डिस्प्ले की बात करें तो 6.58 इंच फुल HD प्लस IPS LCD के साथ देखने में आता है। यही रियर में बात करें तो प्लास्टिक बैक के साथ 50 MP अपर्चर 1.8 वैल्यू के साथ मेन शूटर देखने में आता है एंड 2 MP का मैक्रो शूटर देखने में आता है। कुछ सैंपल्स लगा रहा, आप देख सकते हो इस टाइप का आउटपुट फोटोग्राफी के मामले में निकाल पाओगे। साथ में आपको 1080p 30fps तक वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जिससे आप अपने रील्स वगैरह क्रिएट कर पाओगे भाई अच्छे क्वालिटीज में। यही फ्रंट में आपको 8 MP 2.0 वैल्यू के साथ सेल्फी शूटर देखने में आता है। रैम वेरिएंट का बात करें तो मल्टीपल रैम वेरिएंट देखने में आता है एंड इसमें खास बात है कि स्टैंडर्ड रैम 3.0 टेक्नोलॉजी देखने में आता है, जिससे आप रैम को डबल कर पाओगे। डबल लाइक इस तरह समझो, अगर आप 4G वेरिएंट लेते हो तो 4 को इंटू कर दो 2 से, ठीक है, तो 4 × 2 = 8 हो जाएगा, तो 8GB आपका रैम हो जाएगा, ठीक है, डबल रैम हो जाएगा, जितना भी वेरिएंट लो उसका डबल हो जाएगा। आया ना समझ भाई, कि अभी भी नहीं आया तो कमेंट में बता दो यार। तो भाई वीडियोस को देखते देखते चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना एंड वीडियोस को लाइक भी कर देना देखते देखते। एंड आप बात करें प्रोसेसर का तो MediaTek Dimensity 6020 देखने को मिलता है, जो कि फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर है भाई एंड आपको फ्लैगशिप लेवल का एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। एंड्रॉइड स्कोर का बात करें तो 4 lakh अप्रोक्स एंड्रॉइड स्कोर देखने में आता है, जो कि बेस पार्ट है। इससे जज कर पाओगे कितना तगड़ा प्रोसेसर चिपसेट यूज हुआ है एंड आप मल्टीटास्किंग हो, एडिटिंग हो, गेमिंग हो, सब प्यूरो लेवल का कर पाओगे इस बजट रेंज में भी। OS का बात करें तो Android 13 Fantas 13 देखने में आता है भाई। 13 कुछ समझे? हाँ नहीं तू समझा नहीं। एंड साउंड का बात करें तो सिंगल स्पीकर्स विद गड्ढा देखने को मिल जाता है, तो गड्ढे का भी मजा ले पाओगे एंड लाउड स्पीकर्स है तो स्पीकर पे ठुमका भी लगा पाओगे भाई। फाइनली बात करें बैटरी का गाइस, तो 5000mAh का बैटरी देखने आता है 18W का 5000 के साथ। एंड साथ में आपको एक्स्ट्रा फीचर्स का बात करें तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट देखने आता है। एंड बात करें प्राइस का गाइस तो 13999 देखने आता है 6GB 128GB वेरिएंट वाला के साथ। अब बात करें यूजर रेटिंग एंड एक्सपर्ट रेटिंग का गाइस, तो यूजर की तरफ से आउट ऑफ 5 में 4.6 का रेटिंग देखने में आता है एंड एक्सपर्ट की तरफ से आउट ऑफ 5 में 3.7 का रेटिंग देखने में आता है, जो कि बेस्ट एंड तगड़ा रेटिंग है। अब चलते हैं प्रोस एंड कॉन्स की तरफ, जो सबसे मेन होता है भाई। कोई फोन ले रहे हो तो नेगेटिव पॉजिटिव देखना जरूरी है, चाहे कुछ भी लो, ठीक है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो प्रोस में आपको गुड डिजाइन, बिल्ड क्वालिटी, पावरफुल प्रोसेसर, लॉन्ग लास्टिंग बैटरी लाइफ, गुड कैमरा क्वालिटी, लाउड स्पीकर, 3.5mm जैक अवेलेबल देखने को मिल जाता है एंड यही कॉन्स का बात करें तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी, क्योंकि लेटेस्ट फोन भाई अभी अभी लॉन्च हुई थी, इसका कौन सा अभी तक कुछ निकल के नहीं आया। जब निकल के आएगा तो चैनल पे मिल जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई याद से। ओके अब चलते हैं अपने लिस्ट के सेकंड नंबर फोन के तरफ। तो चलो भाई चलो यार। तो सेकंड नंबर फोन देखने में आता है सैमसंग की तरफ से, सैमसंग गैलेक्सी M14 5G। एंड गाइस अगर आप इस फोन की तरफ नहीं जाना चाहते हो तो सैमसंग गैलेक्सी M14 5G भी ले सकते हो, क्योंकि दोनों फोन में सेम स्पेसिफिकेशन है एंड 1 महीना आगे पीछे लॉन्च हुई थी। M14 जो है वो लेटेस्ट है अभी एंड F14 जो है वो 1 महीना पहले लॉन्च हुई थी, ठीक है। बात करें स्पेक्स तो 82% का देखने को मिल जाता है। यही डिस्प्ले का बात करें तो 6.6 इंच फुल HD प्लस PLS LCD 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ देखने में आता है एंड साथ में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने में आता है, तो ज्यादा प्रोटेक्ट ना भाई तो सेफ रहेगा फोन। वाओ साथ में प्लास्टिक बैक के साथ ट्रिपल कैमरा शूटर देखने में जाता है, 50 MP अपर्चर 1.8 वैल्यू के साथ मेन शूटर एंड 2 MP का डेप्थ शूटर एंड 2 MP का मैक्रो शूटर देखने को मिल जाता है, जिससे आप इस टाइप का आउटपुट निकाल पाओगे। कुछ सैंपल आपके स्क्रीन पे। कैमरा से फुल HD 30fps तक वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट देखने में आता है। फ्रंट का बात करें गाइस तो 13 MP अपर्चर 2.0 वैल्यू के साथ सेल्फी शूटर देखने में आता है, फ्रंट से भी आप फुल HD 30fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। रैम वेरिएंट का बात करें गाइस तो मल्टीपल रैम वेरिएंट देखने में आता है, साथ में डेडिकेटेड स्लॉट देखने में आता है, तो एक्सपैंड कर पाओगे अपने स्टोरेज को। OS का बात करें तो Android 13 एंड One UI Core 5.1 देखने में आता है, जो कि दोनों लेटेस्ट है
एंड साथ में आपको सिंगल स्पीकर्स विद गड्ढा देखने में आता, तो गड्ढे का मजा ले पाओगे एंड सिंगल स्पीकर्स का भी मजा ले पाओगे भाई, बिकॉज लाउड स्पीकर्स देखने को मिल जाता है। बैटरी का बात करें गाइस तो 6000 एमएच बिग बैटरी देखने में आता है एंड 25 वाट का फास्ट चार्जर देखने में आता है। एक्स्ट्रा फीचर्स का बात करें गाइस तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाता है। फाइनली बात करें प्राइस का गाइस तो 14,398 देखने को मिल जाता है। बात करें यूजर रेटिंग एंड एक्सपर्ट रेटिंग गाइस तो यूजर की तरफ से आउट ऑफ 5 में 4.3 का रेटिंग देखने में आता है एंड एक्सपर्ट की तरफ से आउट ऑफ 5 में 3.8 का रेटिंग देखने में आता है, जो कि बेस्ट रेटिंग मिला इस फोन को। एंड फटाफट बात करते गाइस प्रोस एंड कॉन्स का, तो प्रोस में आपको गुड डिस्प्ले, ग्रेट प्राइमरी सेंसर, लॉन्ग रनिंग बैटरी लाइफ, स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी देखने में आता है। एंड यही कॉन्स में बात करें गाइस तो नो अल्ट्रा वाइड लेंस देखने में आता है, ब्लोटवेयर थोड़ा बहुत देखने को मिल जाता है। एंड थर्ड नंबर फोन देखने में जाता है रियलमी की तरफ से, कहां हो यार यूजर, रियलमी आ जल्दी जल्दी भाई, जल्दी जल्दी आ जा। तो रियलमी की तरफ से देखने में आता है रियलमी 9 5G, जिसका स्पेस स्कोर 82% का देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले का बात करें तो 6.5 इंचेस फुल एचडी प्लस आईपीएस एलसीडी 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ देखने को मिल जाता है। प्लास्टिक बैक के साथ ट्रिपल कैमरा शूटर देखने में आता है, 48 मेगापिक्सल अपर्चर 1.8 वैल्यू के साथ मेन शूटर, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो शूटर, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ शूटर देखने में आता है, जिससे आप कुछ इस टाइप का फोटोज निकाल पाओगे, देख सकते हो सैंपल। साथ में फुल एचडी 30 एफपीएस तक वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट देखने में आता है। एंड यही फ्रंट का बात करें गाइस तो 16 मेगापिक्सल अपर्चर 2.1 वैल्यू के साथ सेल्फी शूटर देखने में आता है। एंड फ्रंट से भी आप 1080p 30 एफपीएस तक वीडियोस को रिकॉर्ड कर पाओगे, जिसको अपन लैंग्वेज में बोलते हैं भाई फुल एचडी। कितने लोग भाई 1080p को फुल एचडी बोलते हो, कमेंट में जाके बताओ यार। रैम वेरिएंट का बात करें गाइस तो दो ही वेरिएंट देखने में आता है, 4GB 64GB 6GB 128GB एंड साथ में यूएफएस 2.1 स्टोरेज टाइप देखने में आता है। एंड यही बात करें गाइस प्रोसेसर का, तो मीडियाटेक डायमेंसिटी 810 देखने में आता है, जो कि 6nm आर्किटेक्चर बेस्ड पावरफुल प्रोसेसर है। एंड एंटूटू स्कोर का बात करें गाइस तो 369,000 के अप्रोक्स देखने को मिल जाता है। एंड बात करें गाइस साउंड का, तो सिंगल स्पीकर्स विद गड्ढा देखने में आता है, तो गड्ढे का मजा ले पाओगे एंड स्पीकर्स भी लाउड है तो उसका भी मजा ले पाओगे। साथ में आपको 5000 एमएच का बैटरी देखने में आता है, 18 वाट का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है। कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स का बात करें गाइस तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाता है। यही बात करें गाइस प्राइस का गाइस तो 14,499 देखने में आता है 4GB 64GB वेरिएंट वाला का। फटाफट बात कर लेते हैं गाइस यूजर रेटिंग एंड एक्सपर्ट रेटिंग का, तो यूजर की तरफ से आउट ऑफ 5 में 4.5 का रेटिंग देखने आता है एंड एक्सपर्ट के तरफ से आउट ऑफ 5 में 3.8 का रेटिंग देखने में आता है, जो कि जबरदस्त रेटिंग मिला है इस फोन को। ओ हेलो, कहां भागे जा रहे हो भाई, प्रोस कॉन्स तो सुन लो। बात तो सही है। तो बात करें गाइस प्रोस एंड कॉन्स का, तो प्रोस में आप गुड परफॉर्मेंस, बेटर बैटरी लाइफ, गुड डिस्प्ले, ऑसम डे लाइट फोटोग्राफी, गुड वीडियो क्वालिटी, पावरफुल चिपसेट देखने में आता है। एंड यही कॉन्स की बात करें गाइस तो लो लाइट में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करने की जरूरत था सेंसर में। सो होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना। एंड आपको कौन सा फोन पसंद आया भाई कमेंट में जाके बताओ, कौन सा फोन लेने जा रहे हो आपके बजट के हिसाब से। चलो फिर मिलते हैं, बाय बाय एंड टेक केयर।